सरदार करतार सिंह जिला लुधियाना में गांव सराबा के जाट जमींदार सरदार मंगल सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म सन 1896 में सराबा गांव में हुआ था। रास बिहारी बोस और भाई परमानंद एमए तक इस वीर से आशावित थे। इन्हें अपने चाचा के पास उड़ीसा में पढ़ने के समय बंगाल के क्रांतिकारियों का संपर्क मिला। ये पढ़ने के नाम पर ही अमेरिका सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वहां इनको लाला हरदयाल एमए के साथ रहने का सुयोग मिला। उनके और अन्य सहयोगियों के साथ उन्होंने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की और गदर नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्र में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोही भावनाएं उभारी जाती थी। 1914 ईस्वी में महायुद्ध छिड़ने पर इन्होंने भारत आकर देहातियों को क्रांति सेना में भर्ती होने और सेनाओं को विद्रोह की तैयारी में जुटने के लिए उभारा। बंगाल में रास बिहारी और सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ सहयोग करके स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी की। एक ही दिन विद्रोह के लिए तय भी कर लिया, किंतु समय से पहले भेद खुल गया और काबुल जाते हुए एक छावनी के सैनिकों में सरकार के विरुद्ध प्रचार करते हुए सरदार करतार सिंह पकड़ लिए गए। उस समय उनकी आयु केवल 19 वर्ष की थी। इन पर डाकेजनी तथा सैनिक विद्रोह कराने का अभियोग लगाया तो इन्होंने सब स्वीकार कर लिया और कहा, हम ब्रिटिश सरकार को भारत पर शासन नहीं करने दे सकते। मैंने इसी कार्य के लिए जनता और सेना को तैयार किया था। इसी के लिए मैं अमेरिका से लौटा था। जज ने उनके बयान नहीं लिखे, उन्हें सोचकर बोलने के लिए अगला दिन दिया। अगले दिन भी इस वीर के बयान वही थे। वीरता पर मग्ध हुए जज ने लिखा कि यह करतार सिंह 61 अभियुक्तों में सबसे मुख्य है। इसने लगाए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। इसे अपने कारनामों पर भारी गर्व है। फांसी का आदेश सुनकर उन्होंने जज को थैंक यू कहा और मुस्कुरा दिया। इन्हें मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। स्मरण रहे, इसी कार्य में भाई परमानंद भी अभियुक्त थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, करतार सिंह को मैंने अमेरिका में देखा था। हथकड़ी बेड़ी में कसकर जब जेल में लाया गया तो अपने दो साथियों के साथ प्रसन्न होता हुआ और हंसता हुआ जेल में आया। शुरू में इसके पावों में जंजीर डालकर जेल के दरवाजों से बांधा गया, जबकि यह हथकड़ी भी पहने हुए था। भले ही यह 18-20 वर्ष का नौजवान था, परंतु सच तो यह है कि पंजाब में सारी हलचल का वास्तविक लीडर करतार सिंह था। उस लड़के का पुरुषार्थ और साहस आश्चर्यजनक था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।